तो दोस्तों, अगर आपका भी छोटा मोटा कोई सा भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप आपने किया हो, एमएसएमई बिजनेस हो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अपने इंडिया में, यूएई में, बाकी जगह मलेशिया वगैरह में भी टैली बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा तो अपने इंडिया में ही टैली यूज होता है। इवन सीए लोग भी कहते हैं आपको कि भैया टैली यूज करो, तभी टाइम से बैलेंस शीट वगैरह बना के दे पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर कैसा हो कि आपको टैली यूज करने के लिए कोई अवार्ड दिया जाए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी टैली एमएसएमई ऑनर्स अवार्ड 2024 होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जल्द। मैं इसका भी लिंक आपको दूंगा, उसमें आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना अवार्ड जीत सकते हैं दोस्तों। इसमें 200 से ज़्यादा लोगों को चुना जाएगा, उनको शोकेस वगैरह भी किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा टैली की तरफ से, उनको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इस 9 पॉइंट में कि क्या है टैली एमएसएमई ऑनर्स अवार्ड और इसमें कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको इस लिंक पर जाकर रजिस्टर करके भी दिखाऊँ, मैं खुद अपने आप को रजिस्टर करूंगा और उसी तरीके से फिर आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे जरूर रजिस्टर करें। 25 मई इसका लास्ट डेट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि 9 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है टैली एमएसएमई ऑनर्स अवार्ड, ये कब चालू हुआ था, क्या चीज़ है ये, उसके बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों अपना 4 साल पहले ही ये शुरू हो चुका था, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग रजिस्टर करें और इंडिया की ताकत को दिखाएं कि हम लोग यहाँ पे कैसे टैली को यूज करते हैं। बाकी लोग भी रजिस्टर करेंगे दोस्तों, बाहर वाले भी रजिस्टर करेंगे जो विदेशों में है, यूएई में है, सऊदी में है, रजिस्टर करेंगे। मतलब ये ग्लोबल अवार्ड है दोस्तों, ये जो 4 साल पहले चालू हुआ था, लेकिन अभी 2024 वाला आ गया है। अब इसमें कौन कौन रजिस्टर कर सकता है दोस्तों? इसमें एमएसएमई ऑनर्स अवार्ड भले ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका कुछ स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, आप कोई क्रिएटर्स हैं, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप भी अपनी कहानी वगैरह बता सकते हैं, आपका अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स को शोकेस कर सकते हैं वहाँ टैली प्लेटफॉर्म पे। अब ये कौन कौन से देश में दोस्तों लॉन्च किया गया है ऑनर्स अवार्ड 2024 वाला? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है अपना इंडिया में, यूएई में, सऊदी अरबिया में, बांग्लादेश, केन्या, नेपाल। यानी कि आपका नेपाल, केन्या, बांग्लादेश, सऊदी, यूएई और इंडिया, इतने जगह के लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। अब इसमें जो दोस्तों नॉमिनेशन है, काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और जिसका लास्ट डेट अभी 25 मई तक है। तो आप लोग भी इसको फटाफट करिए, अभी मैं आगे उसको बताऊंगा कैसे आपको इसमें नॉमिनेट करना है, कैसे इसमें रजिस्टर करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अवार्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें आपको बिजनेस मैस्ट्रो, वंडर वूमेन, टेक ट्रांसफॉर्मर, चैम्पियन ऑफ काज और न्यू जेन आइकॉन करके इतने तरीके के अवार्ड रखे गए हैं, इतने तरीके के अवार्ड आपको दिए जाएंगे। तो आपका बिजनेस मैस्ट्रो करके हो गया, ठीक है, उसमें आपका वंडर वूमेन हो गया, वंडर वूमेन वाले में वुमेंस के लिए रहेगा ये, तो वुमेंस लोग भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, 100% उनको कुछ ना कुछ अवार्ड में मिलेगा ही मिलेगा ये। उसके बाद फिर है दोस्तों टेक ट्रांसफार्मर, जो टेक से रिलेटेड हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। चैम्पियन ऑफ कॉज, ये भी एक अवार्ड का ही नाम है, और न्यू जेन आइकॉन करके अवार्ड। तो ये 5 तरीके के अवार्ड हैं दोस्तों, जिसमें 200 से ज़्यादा विनर्स को चुना जाएगा। 200 से ज़्यादा विनर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब भी दोस्तों टैली वालों का इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है, उसी वीक में ग्रैंड स्केल के इवेंट में फैसिलिटेट किया जाएगा उन लोगों को। मतलब एक इवेंट होगा टैली की तरफ से, उसमें सबको बुलाया जाएगा, उसमें उनको वेलकम किया जाएगा। और ये कब होगा? इंटरनेशनल एमएसएमई डे के दिन। अब दोस्तों, इससे आपको और भी क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? चलो ठीक है, आपको अवार्ड वगैरह मिल जाएगा टैली की तरफ से, वो सारी चीज़ें तो रहेगी ही रहेंगी, उसके अलावा और आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? आपने ज़रूर देखा होगा दोस्तों टीवी वगैरह पे शार्क टैंक वगैरह टाइप का इस तरीके के जो प्रोग्राम चला, अब उसमें लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को जाके वहाँ पर दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, टीवी वगैरह में आ जाते हैं, उनको एक अलग तरीके का दोस्तों फ़ायदा हो जाता है, उनके प्रोडक्ट की सेल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे भी आप शोकेस कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है, आपका स्टार्टअप वगैरह है, तो उसको आप शोकेस कर सकते हैं वहां पे उस इवेंट में। और बाकी भी वहाँ पे जो बिजनेस लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े जो बाकी भी जो बिजनेस मैन आएंगे, उनके साथ में भी आपका एक इंटरेक्शन होगा, आपका एक नेटवर्किंग टाइप का बनेगा। तो उनसे भी मुलाकात करके आपको कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा और आपसे भी दूसरों को भी कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा साथ में ही, और आप अपने बिजनेसेस को प्रमोट भी कर पाएंगे वहाँ पे। अब ये तो आपको दोस्तों नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा टैली आपके लिए क्या करेगा दोस्तों? टैली आपके बिजनेस को भी प्रमोट करता है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह में भी लेके आएगा, आपको सोशल मीडिया पर भी लेके आएगा। तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो उसमें कुछ होना नहीं है, और आपका बिजनेस प्रमोट होगा, आपकी सेल बढ़ेगी 100%। ये
अब इसमें रजिस्टर करने की डेडलाइन क्या है दोस्तों? तो डेडलाइन है इसमें रजिस्टर करने की 25 मई। तो अभी आज ही आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, या तो आप अभी से अपने कैलेंडर में इसको मार्क करके रख लीजिए कि आपको रजिस्टर करना है 25 मई से पहले पहले। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी मेरे साथ ही आप लोग रजिस्टर करते जाइए, जैसे आप ये वीडियो को देखिए वैसे ही आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्या इसमें कोई चार्ज वगैरह है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री आप रजिस्टर कर सकते हैं इसका, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है। अगर आपके पास में एमएसएमई उद्यम नंबर है तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपके पास एमएसएमई उद्यम नंबर नहीं है तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं, रजिस्टर करते हैं और आप ही साथ साथ यहाँ पर रजिस्टर करते जाइए। तो मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके से एक नॉर्मल सा पेज अपना ओपन हो जाएगा, बहुत सिंपल सा पेज है, बस आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। अब यहाँ पे आपका आ गया सेलेक्ट कैटेगरी यू वुड लाइक टू नॉमिनेट द बिजनेस फॉर। अब इसमें आपका कैटेगरी कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको जो 5 तरीके का अवार्ड जो अभी गिनाया था वो ये वही वाले हैं। यहाँ पे जो जो कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाले हैं, तो टेक ट्रांसफर हो गया, वंडर वूमेन हो गया, चैंपियन ऑफ काज हो गया, बिजनेस मैस्ट्रो हो गया, न्यू जेन आइकॉन हो गया। तो अब इसका डिटेल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे टेक ट्रांसफॉर्म है तो एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो द बिजनेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया है जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप उसको शोकेस करना चाहते हैं, तो आप इसके अंतर्गत रजिस्टर करिए। ठीक है, उसके बाद फिर वंडर वूमेन है, ये ए रोल मॉडल हु ओवरकम चैलेंजेस टू बिल्ड ए बिजनेस। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जो अपने बिजनेस को अच्छे से समझती हैं, जानती हैं, अपना रोल मॉडल रहती हैं अपने बिजनेस के लिए, वो तो वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। उसका नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों चैंपियन ऑफ काज ब्रॉट इन चेंजेस इन ए बिजनेस स्ट्रेटजी टू सपोर्ट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो ऐसा अगर आपका बिजनेस है कुछ जो आप जिसके थ्रू आप अपने सोसाइटी को अपने एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में आप जरूर रजिस्टर करिए, काफ़ी अच्छी कैटेगरी है वाली। उसके बाद फिर है दोस्तों बिजनेस मैस्ट्रो करके बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल फाउंडेशन फॉर द बिजनेसेस। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है दोस्तों जिसको देख के दूसरे बिजनेसेस को उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है, यानी कि जो बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फाउंडेशन तैयार करे, इस तरीके की कैटेगरी अगर आपको लगता है कि आपका कैटेगरी है तो आप इसमें रजिस्टर करिए। न्यू जेन आइकॉन करके है दोस्तों, न्यू जेन आइकॉन अगर आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस अभी आपने स्टार्टअप किया है, मार्केट में कुछ आपने इनोवेशन सोल्यूशंस वगैरह लेके आया है जो लोगों को काफ़ी फायदा पहुँचा रहा है, आपका नया स्टार्टअप है, तो आप इसमें कर लीजिए। अब मेरे केस में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे टेक ट्रांसफार्मर एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो द बिजनेस, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, मैं कर रहा हूँ। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, फॉर होम यू आर मेकिंग दिस नॉमिनेशन। आप अपने लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ फॉर माई सेल्फ करके। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया दोस्तों इंटर नॉमिनी डिटेल, जो भी नॉमिनी करेगा मैंडेटरी क्वेश्चन आर मार्क इन स्टार। तो जो भी मैंडेटरी क्वेश्चन है उसको आपको स्टार में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें स्टार वाला कौन सा, नॉमिनी बिजनेस नेम करके, तो जो भी आपका बिजनेस नेम है उसको लिख देना है। जैसे मेरा बिजनेस नेम है यहाँ पे लर्नवेल करके, मैं लर्नवेल डाल देता हूँ। मेरी वेबसाइट लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए जो स्टार वाला था वो फर्स्ट वाला था, बाकी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में डिटेल है तो आप ज़रूर फिल करिए। मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक पूछ रहा है तो मैं सोशल मीडिया लिंक अपना डाल देता हूँ। उसके बाद फिर है दोस्तों ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट करके, तो यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका डाल देना है जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जब से आपका बिजनेस चल रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपके पास में एम्प्लॉय कितने हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं वो आपको इधर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सिटी करके आ रहा है दोस्तों, सिटी मैंडेटरी है आपको डालना, आपका सिटी कौन सा है वो आपको डाल देना है, स्टेट कौन सा है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर भी आपको डाल देना है। उसके बाद फिर दोस्तों ये डिटेल अपना फिल करने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है व्हिच डिजिटल टेक्नोलॉजी यू हैव इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, आपने अपने बिजनेस में कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया है जिससे आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा ग्रो किया है। इन विच प्रोसेस डिपार्टमेंट यू हैव इम्प्लीमेंट इन, हाउ वाज इट डन अर्लियर, ये कैसा काम कर रहा है, आपने किस डिपार्टमेंट में प्रोसेस किया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप के इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चंस को आप जितने अच्छे से फिल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इसको आप एकदम जैसा भी आपको लगता है कि कितनी सच्चाई है आपकी बातों में, जो भी चीज़ें हैं जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है।
आप चाहें तो अगर डिटेल में लिखना है तो आप डिटेल में बिल्कुल लिखिए, जितना अच्छा आपका रिप्लाई रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, आई हैव इम्प्लीमेंट फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन आवर बिजनेस, वी हैव इम्प्लीमेंट सर्वल डिजिटल टेक्नोलॉजी बट ए मेजर ऑन इन इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज ERP सिस्टम, वी हैव इम्प्लीमेंटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रीवियसली एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूज टू वर्क मैनुअली ऑल ट्रांजेक्शन्स लेजर मेंटेन। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप TDL वगैरह यूज करते हैं, आप टैली यूज करते हैं, टैली का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं कि मैं टैली यूज करता हूँ, TDL यूज करता हूँ, जब से मैं एक्सेल टू टैली यूज करने लगा हूँ मेरा जो है काम फास्ट होने लग गया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से, तो आप जितना अच्छा ऐड करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑन रेवेन्यू, टाइम टेकन टू डू एंड एक्टिविटी, ब्रांड इमेज, कस्टमर और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के आंसर देना है, भले ही आप इसमें टाइम लीजिए थोड़ा सा, लेकिन आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिए या किसी को आप साथ में बैठा लीजिए, उसके साथ में मिलकर आप लिखिए। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना लंबा लंबा लिखें, सारी चीज़ें आप इतना ज़्यादा डिटेल में लिखें, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, पहले से इसको लिख कर रख लिया था, अब मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देता हूँ। मेरा क्या काम है, कैसा टाइप का बिजनेस है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया किस तरीके का मैं क्या काम करता हूँ, तो ऐसा आप डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिखिए, समरी उसका लिख दीजिए, डिटेल में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर दोस्तों अब यहाँ पे आ गया, उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ हो अपलोड करने हैं जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड है। आप अपने बिजनेस ऑफिस की फोटोज वगैरह भी यहाँ पे कार्ड डाल सकते हैं। तो आपका बिजनेस सर्टिफिकेट एक डाल दीजिए, एक फोटो डाल दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी नॉमिनी है, जैसे मैंने अपना नॉमिनेशन किया तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो एक डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया बिजनेस से रिलेटेड, एक अपनी फोटो हो गई, इसको अपलोड कर देना है। अब इसमें 10-10 MB की साइज है, आप 10 MB तक डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना अपलोड हो गया, मेरी एक फ़ोटो मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसमें मैं अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी एक डाल देता हूँ, GST सर्टिफिकेट डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे अपना GST सर्टिफिकेट, अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब आप इसमें चाहे दोस्तों एक से ज़्यादा फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, आप इसमें ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अपने को नेक्स्ट कर देना है। अगर आप इसमें फोटोज वगैरह नहीं भी डालना चाहते हैं तो स्किप का भी ऑप्शन है इसमें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर डिटेल अपना फिल करिए ताकि आपका अगर अवार्ड में नाम आए तो सारा कुछ ठीक ठाक रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं अपन, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आ जाता है, यस यू हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाई ए टैली पार्टनर टू फाइल दिस नॉमिनेशन। ठीक है, अगर आपको कॉन्टेक्ट किया गया टैली पार्टनर के द्वारा इस नॉमिनेशन के लिए तो आप इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे टैली पार्टनर का नाम डालना है। अगर आपने टैली पार्टनर के थ्रू नहीं इसको फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, नो करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एंटर योर डिटेल्स करके आएगा, आपको अब अपना डिटेल्स डालना है। नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ फिल कर देना है। पहले तो अपन ने अपने कंपनी का नाम डाला था, अब यहाँ पे आपका डिटेल डालना है। तो इसमें जो भी आपके आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, आपका जो भी डिजिग्नेशन है कंपनी में वो आपको सारा कुछ यहाँ पे सबमिट कर देना है। कि अगर आपके आप अगर डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। अगर आप अपनी जगह में किसी और को भेजना चाहते हैं अपने बिहाफ में तो आप उसका नाम डालिए। यहाँ पे कोई भी आपका अकाउंटेंट है, सेल्स का बंदा है, उसका नाम डाल के आप उसका डिजिग्नेशन यहाँ पे आप सबमिट लिख के सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे 100% ये अभी कंप्लीट हो चुका है, अपन इसको सबमिट करते हैं दोस्तों। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, थैंक यू योर नॉमिनेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड कर। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा इसमें आप जरूर नॉमिनेशन कराइए, टैली हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके आया है, कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो जरूर इसको आप सबमिट करिए, फॉर्म को जरूर फिल करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसको पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि टैली से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।